मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चंस एक्सरसाइज नंबर 4.4 के। तो हमने कल की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं आपको समझा रही हूँ, सेकंड आपको खुद करना है। फर्स्ट पार्ट में है सम ऑफ -999 एंड 630 फ्रॉम 615। हमें क्या करना है, हमें करना है सबट्रैक्ट। तो देखिए, सम ऑफ -999 एंड 630, तो पहले हमें सम करना है इसका और इससे, इसका और इसका हमें क्या करना है, सम करना है, एडिशन करना है, और जो आंसर आएगा उसको हमें इससे घटा देना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे एडिशन, ठीक है, एडिशन करेंगे -999 का 630 में हम क्या करेंगे, एडिशन। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, 9 में से 0 गए 0, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 6 गया 3, तो आंसर आ गया ये। अब हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, तो हम सबट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, क्या लिखा है, जो इसका सम आएगा उसको आप इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो माइनस, अच्छा ये जो 369 है वो प्लस का आया है कि माइनस का, बच्चों माइनस का आया है, क्यों, बड़ा नंबर ये है और लार्जर डिजिट पे साइन किसका है, माइनस का, तो ये आया है -369। अब हमें क्या करना है, -615 से -369 को माइनस कर देना है, क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 615 प्लस 369, ठीक है, समझ गए आप, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 9 गए कितने बचे, 6 बचे, यहाँ बचा 0, 10 में से 6 गया कितना बचा, 4, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया कितना बचा, 2। अच्छा, प्लस का साइन आएगा कि माइनस का, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि लार्जर डिजिट पे माइनस का साइन है। इज दैट क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, -37 टू द डिफरेंस ऑफ -7 एंड -47। तो ये पहले वाले का बिल्कुल उल्टा है, हमें ऐड करना है -37 को किस में, इन दोनों के डिफरेंस पे, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा उसको हमें इसमें ऐड कर देना है। तो हमें -7 और उनको -7 को माइनस करना है -47 से, ठीक है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो -7 प्लस 47, तो ये कितना हो गया, 47 में से 7 गया 40, ये किसका आया, प्लस का। अब आपको ऐड कर देना है प्लस 40 को -37, तो ऐड करना है हमें प्लस 40 एंड -37, तो ये कितना हो गया, 40 -37, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 40 में से 37 गया कितना बचा, 3, प्लस का माइनस का प्लस का। इज दैट क्लियर टू यू बच्चों। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराया। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में था सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो पहले आपको इन दोनों का सम करना है, फिर आपको इन दोनों का सम करना है, इसका जो सम आएगा, इसका जो आंसर आएगा, उस आंसर में से इसके आंसर को आपको घटा देना है, ठीक है। चलिए अब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये ब्रैकेट्स दे रखे हैं, मैंने आपको बोर्ड मार्क्स तो पढ़ाया ही है, ब्रैकेट्स भी पढ़ाए हैं। तो पहले हम अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -22 माइनस माइनस प्लस 26, ठीक है, ऐसे हम इसमें भी ये ब्रैकेट दे रखा है, इसको भी ख़त्म करेंगे, 21 माइनस माइनस प्लस 70, तो ये अब आपका आ गया बाहर वाला ब्रैकेट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस, 26 में से 22 गए कितने बचे, 4 बचे, कितने बचे, 4, प्लस के बचे कि माइनस के, प्लस के, क्योंकि बड़ी वाली डिजिट पे प्लस का साइन है, इधर हम मैंने प्लस लगा दिया। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस, 70 में से 21 गए कितने बचे, 10 में से 1 गया 9, 6 में से 2 गया 4, ठीक है, कितना, प्लस का माइनस का, प्लस का, ठीक है, तो आपका आ गया 4 प्लस 49, तो ये कितना हो गया,
9 + 4 = 3, 53. इज दैट क्लियर टू यू? ऐसे ही आपको फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करना है, ऐसे ही आपको फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट भी करना है. ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है. सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको बताना है ट्रू या फिर फॉल्स. तो ये ट्रू फॉल्स आप सॉल्व करेंगे तभी हो पाएगा. देखिए -5 और -2 कितना हो गया, -7 इज ग्रेटर देन -8. बिल्कुल सही है भाई, -7 ग्रेटर है -8 से. तो ये हो गया आपका ट्रू. ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, ये इसका जो आंसर आएगा वो LHS, वो RHS के इक्वल होगा. तो सॉल्व करते हैं, -7 और -3 कितना हो गया, -10. माइनस माइनस प्लस होता है, 7 + 3 = 10 और बड़ी वाली डिजिट पे माइनस का साइन है तो ये हो गया माइनस. ठीक है, अब -3 - -7 तो इसको सॉल्व करते हैं, -3 - -7 + -7 में से 3 गया, कितना बचा, 4. बड़ी वाली डिजिट पे साइन किसका है, प्लस का, तो ये हो गया प्लस का 4 और यहाँ पे आपका आ रहा है माइनस का 10. इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, तो ये आंसर हो गया आपका फॉल्स. ठीक है, अब इस पे आ जाइए सी वाले पे. यहाँ आपको दे रखा है LHS में -14 इज ग्रेटर देन दिस, तो इसको सॉल्व करते हैं, -8 माइनस माइनस प्लस 7, अच्छा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 1. 8 में 7 गया 1, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली डिजिट पे माइनस का साइन है. तो -14 इज ग्रेटर देन -1, ऐसा है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये हो गया फॉल्स. दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, छोटा वाला बड़ा होता है. ठीक है बच्चों, अब आगे का क्वेश्चन करते हैं. ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -173. इफ वन ऑफ देम इज -18, व्हाट इज द अदर. अब आपको बोला गया है दो नंबर हैं, दो इंटीजर्स का सम है -173, उसमें से एक इंटीजर आपको दे रखा है -18, दूसरा इंटीजर आपको बताना है. तो ये क्वेश्चन तो हमने हर चैप्टर में ही किया है मोस्टली. तो हम दूसरे इंटीजर को मान लेते हैं x. लेट द सेकेंड इंटीजर बी x. हमने क्या मान लिया, इसको x मान लिया. अब उन्होंने बोला सम ऑफ टू इंटीजर, तो पहला इंटीजर उन्होंने हमें दे दिया -18, दूसरा हमने मान लिया x. ठीक है, इन दोनों का सम उन्होंने हमें दे रखा है -173. ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ये वाला इंटीजर निकालना है. तो x इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको यहाँ लेकर आएंगे तो ये इसका साइन अभी यहाँ पे माइनस का है, RHS में आके किसका हो जाएगा, प्लस का. तो ये हो गया -173, इसको तो एज इट इज लिख देते हैं. अब इसको यहाँ पे आना है, तो -18 यहाँ पर है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, +18. ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, तो 173 में से 18 को माइनस करिए, 13 में से 8 गया, कितना बचा, 5 बचा, वेरी गुड. ठीक है, यहाँ क्या बचा, 6, 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5, 155. बड़ी डिजिट पे साइन किसका है, माइनस का, तो आंसर किसका आया, माइनस का. तो x की वैल्यू क्या आ गई, -155. तो हम यहाँ लिखेंगे द सेकेंड इंटीजर इज -155. चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, इसको और पढ़ते हैं. ऑन अ सर्टेन डे एट अ सर्टेन प्लेस, एक जगह पर, एक प्लेस पर, किसी दिन जो टेम्परेचर है वो दिन में जो था वो था 0 से above, मतलब 0 से ज़्यादा, 15 degrees Celsius, और वो रात को हो गया 0 से below, 2 degrees Celsius. ठीक है, बाय हाउ मच डिग्री सेल्सियस डिड द टेम्परेचर फॉल एट नाइट. कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल हो गया, गिर गया रात को. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर नंबर 8. ठीक है, टेम्परेचर एट नून. ठीक है, टेम्परेचर कहाँ पर, दिन में टेम्परेचर कितना था बच्चों, टेम्परेचर था आपका 15 degrees Celsius. ठीक है, और वो टेम्परेचर हो गया मिडनाइट में जाके, टेम्परेचर एट
मिडनाइट बिलो चला गया वो जीरो से कितना 2 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करना सीखा है, तो बिलो हो गया इसका मतलब -2 डिग्री सेल्सियस। अब वो पूछ रहे हैं कितना गिर गया 15 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना टेम्परेचर गिर गया। तो देखिए मैं एक नंबर लाइन यहाँ बनाती हूँ, आपको तो प्रॉपर नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। जैसे कि ज़ीरो है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 पता नहीं आएगा नहीं आएगा यहाँ पे, 8, 9, 10 और बना ले रही हूँ 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। और यहाँ पे -1 और -2, -3, -4। अब वो पूछ रहे हैं 15 से कितना गिरा, -2 तक आने में वो कितना गिरा। तो आप क्या करिए, बैक जाइए 1, 2, 3, 4 और यहाँ से आए तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17, क्या हो गया 17। तो हम कहाँ चले गए, बैक में चले गए। हमने क्या लिया है, लेफ्ट साइड ही तो लिए, इसका मतलब हम बैक में, मतलब वो गिर गया -17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, ऐसे हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। तो आज की वीडियो में मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। आपको आज के होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक अपने नोटबुक्स में करना है, ठीक है। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ और न्यू चैप्टर के साथ, तब तक ले बाय बाय बच्चों।